नमस्कार, मैं सिन्हा भारद्वाज आज बनाऊंगी डिफरेंट तरीके की चॉकलेट। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगी आपको चॉकलेट को कैसे अच्छी तरह से मेल्ट किया जाता है, डबल बॉलर से और या माइक्रोवेव से। तो मार्केट में कई तरह की चॉकलेट आती हैं, डार्क, मिल्क और वाइट। ये तीनों कंपाउंड तो अवेलेबल हैं सभी जगह, लेकिन अब फ्लेवर में भी आने लगी हैं। तो मैं दिखाती हूँ फ्लेवर में कैसे कैसे कंपाउंड आ रहे हैं। तो अब मार्केट में इस तरह के भी आ रहे हैं, पाइनएप्पल फ्लेवर की चॉकलेट, पिस्ता फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और ये है मैंगो फ्लेवर। या आपको व्हाइट चॉकलेट में कोई भी कलर डाल के और ऐसे डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कलर चाहिए एकदम हाई क्वालिटी का और लिक्विड में चाहिए, जेल कलर चाहिए इसके लिए। जब भी हम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं तो हमको फ्रीजर में चॉकलेट को नहीं रखना चाहिए, चॉकलेट हमारी रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। तो हमने चॉकलेट को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा है, रूम टेम्परेचर पर। अब गर्मी का टाइम है तो ये अच्छे से और जल्दी भी मेल्ट हो जाती हैं, थोड़ा सर्दी का टाइम होता है तो ये थोड़ा टाइम लेती हैं। तो मैं बताती हूँ चॉकलेट को कैसे मेल्ट करते हैं। तो मैं आपको डेमो बता रही हूँ कि हमने एक बर्तन लिया, इसमें डाल देते हैं हम पानी। पानी हमको इतना चाहिए कि बर्तन से टच ना हो, तो इसके ऊपर एक बाउल रख देते हैं और इसके अंदर है हमारी चॉकलेट। तो धीरे धीरे जैसे पानी में से भाप बनेगी हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी। तो देख सकते हैं धीरे धीरे हमारी चॉकलेट थोड़ा गर्म होने लगेगी है। तो हम इस तरह से इसको थोड़ा सा फूंक से हिलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं धीरे धीरे ये मेल्ट हो रही है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो डबल बॉलर से हम इसी तरह से स्टील के बर्तन में, किसी भी बर्तन में कर सकते हैं, लेकिन हमको नीचे थोड़ा छोटा बर्तन और ऊपर बड़ा बर्तन रखना होगा और पानी से टच नहीं होना चाहिए हमारा बाउल। तो इस तरह से हम गैस पर चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। तो ये लिया है मैंने डार्क कंपाउंड, ये लिया है मैंने मिल्क कंपाउंड, ये लिया है मैंने व्हाइट कंपाउंड। तो हम तीनों को अलग अलग करके 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। 30 सेकंड के लिए पहली बार, फिर दोबारा से मिक्स करेंगे, फिर 30 सेकंड का टाइम और माइक्रोवेव में लगाएंगे। तो चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ आपको कि हमको पावर लेवल इसका कम करना चाहिए। जैसे हमारा 900 वाट का माइक्रोवेव है तो हमको चॉकलेट को मेल्ट 500 पर या 340 पर, इस पावर पर करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा पावर लेवल हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हम थोड़ा लेवल कम कर सकते हैं। तो मैं पहले व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करूंगी, तो मैं इसको रख देती हूँ इसके अंदर और इसका मैं पावर लेवल थोड़ा कम करूंगी। तो ये देख सकते हैं इसमें 900 वाट आ रहा है, तो मैं इसका पावर लेवल थोड़ा कम करती हूँ, 720, 540 या इससे थोड़ा होता है 360। तो मैं इसको मेल्ट करूंगी 720, 540 पर इसको मेल्ट कर रही हूँ। पहले मैं 30 सेकंड का, 1 मिनट का टाइम लिया है मैंने। पहले 30 सेकंड में मैं इसको बीच में एक बार हिला दूंगी। तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। देख सकते हैं चॉकलेट हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो मैं इसको साइड रख देती हूँ और दूसरी चॉकलेट को मैं मेल्ट करूँगी। अब मैं एक फ्लेवर्ड चॉकलेट भी मेल्ट करके दिखाती हूँ आपको। तो मैंने इसको इसके अंदर रख दिया है और इसका भी हम टाइम सेट करेंगे 540 पर और इसको हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव।
तो देख सकते हैं मैंने बीच में 30 सेकंड के बाद इसको मिक्स कर दिया था और दोबारा से अब इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये भी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो मैंने अभी आपको चार तरीके की चॉकलेट को मेल्ट करके दिखाया है। प्रोसीजर हमारा एक ही है, लेकिन जो फ्लेवर्ड चॉकलेट होती हैं उनको हम और नॉर्मल चॉकलेट से थोड़ा कम मेल्ट करते हैं, वो काफ़ी जल्दी हो जाती हैं। जैसे मैंने इनको 60-60 सेकंड के लिए किया, तो बीच में 30 सेकंड के बाद, पहले 30 सेकंड के बाद मैंने बीच में इस तरह से इनको हिला दिया ताकि ये अच्छी तरह से इक्वली मेल्ट हो जाएं। तो देख सकते हैं ये हमारी सारी चॉकलेटें अच्छी इस तरह मेल्ट हो चुकी हैं। तो हमको इसको शाइनी बनाने के लिए क्या करना होता है, जिससे कि हमारी चॉकलेट में, आपने देखा होगा जब भी चॉकलेट को जितनी शाइनिंग आती है चॉकलेट में, उतना ही चॉकलेट अच्छा लगता है दिखने में और खाने में। अगर हमको चॉकलेट दिखने में अच्छा लगेगा तो खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो चॉकलेट को शाइनी बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, जैसे ये हमारे पास चॉकलेट है तो मैं इनको साइड रख देती हूँ थोड़ा। तो जितना हम चॉकलेट को इस तरह से हिलाएंगे उतनी ही हमारी चॉकलेट शाइनी बनेगी। जितना हम इसको मिक्स करेंगे, एक और बात, जब भी हमको चॉकलेट बनानी होती है तो हम मोल्ड में इसको गरम गरम पोर नहीं करेंगे, गरम गरम नहीं डालना हमको, थोड़ा हमारा चॉकलेट नॉर्मल हो जाए। लेकिन इसको हम इस तरह से हिलाते रहेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि चॉकलेट हमारी बहुत अच्छी बने। अगर हम इसको हिलाएंगे नहीं तो चॉकलेट हमारे जमने लगेगी, तो इसके लिए हमको ये प्रोसीजर करना आवश्यक है। तो बाकी चॉकलेट को भी मैं इसी तरह से हिलाऊंगी। अगर आपको ये मेरी चॉकलेट मेल्ट करने की वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझ पे चॉकलेट गनाश या वाइट चॉकलेट गनाश, किसी भी तरह की वीडियो बनाने के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आपको बनाना दिखाऊंगी। इसी तरह से हम बाकी चॉकलेट को भी कर लेंगे। अगर आपको मेरी चॉकलेट मेल्ट करने की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को टिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।